हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आप सभी के। अब भाई मुझे पता है कि भाई मैंने पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं डाला है, सो उसके लिए सॉरी। एंड भाई ये वीडियो एंजॉय करो यार। सो मैं यहाँ पे सोलो खेल रहा था एंड इस वाले मैच में भाई पता नहीं सबसे लास्ट वाला बंदा बना दिया मुझे, ग्रे का बंदा बना दिया। खैर यहाँ पर मैं जा रहा था पिंक की तरफ एंड वो बंदा साइड से आ रहा था, सो मैं उसके बीच पे कूद गया एंड वो बंदा भी डर के भागने लगा पीछे। अब यहाँ पे भाई वो बंदे को भाई मैंने कुछ ज़्यादा ही फटका मार दिए, सो वो बंदा फिर से यहाँ पे आ जाता है उसके बेस पे एंड वो बंदा मुझे नीचे गिरा देता है। तो उसके बाद जैसे ही रिस्पॉन होता हो तभी वो बंदा इधर आता है। सो जब मैंने उसको मारने की कोशिश की लेकिन ये बंदा फिर भी मेरा बेट तोड़ देता है, लेकिन लास्ट में उसको मार देता हूँ एंड उसके बाद उसके बेस पे जाने लगता हूँ। अब यहाँ पर पहुँचते ही भाई ये बंदा रिस्पॉन होकर आता है मेरी तरफ। सो यहाँ पर उसको टाप के उसका बेट तोड़ दिया एंड उसके बाद फिर से जाता हूँ एंड इस बंदे को यहाँ पे किल कर देता हूँ और उसके बाद अंदर जाके लूट करता हूँ। तो अब यहाँ पे भाई लास्ट 2 बंदे बचे थे, जो कि भाई एक था ग्रे, मतलब ग्रे नहीं, सियान का बंदा एंड दूसरा था ब्लू का बंदा। खैर यहाँ पे ये बंदा मिड में जा रहा था, सो मैंने इसको एक फायर चार्ज मारा जिससे कुछ हुआ नहीं, दूसरा वाला मिस हो गया। अब उसने फायर चार्ज मारा तो उससे भी ज़्यादा कुछ होता नहीं, लेकिन ये बंदा भाई तगड़ा था, यहाँ पर मुझे मार देता लेकिन मैं भाई बच जाता एंड मैंने उसको किल कर दिया। खैर उसके बाद में यहाँ पे मेरे पास 2 एमराल्ड आ गए थे, सो यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि भाई ग्रीन के पास भेजा के इनविस का पोर्शन लेता हूँ एंड भाई ये ब्लू वाला बंदा बाजू में ही था, मतलब बाजू के बेस में ही था। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि भाई इधर थोड़ा बहुत ब्लॉक लगा के भाई आगे जाता हूँ एंड यहाँ पे भाई इन्वेस्ट का पोर्शन लेता हूँ। तभी क्या होता है, वो बंदा डायमंड जनरेटर से भाई इस तरफ साइड से ब्रीच कर देता है एंड यहाँ पहुँच जाता है। तभी मुझे पता चलता है कि भाई ये तो बंदा यहाँ तक पहुँच गया, तो इस बंदे के साथ फाइट करती है मेरी। खैर इन्विस का पोर्शन तो यार ऐसे ही चला गया। खैर इस बंदे को यहाँ पे मारने के साथ वीक हो जाती है एंड पता है भाई नेक्स्ट गेम में। सो ये भाई हमारा दूसरा मैच एंड ये भाई ओल्ड वाला मैप है, सो भाई पुरानी आदत ताजा होगी। तो उससे मेरा क्या फायदा? खैर ऐसे कुछ नहीं है, खैर यहाँ पर मैं भाई थोड़ा मतलब पहले भी खेल चुका एंड कई गेम में खेल चुका था एंड मैं भाई 2 दिन से खेला नहीं था, सो भाई मेरे हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे खेलने में। खैर ये इस बंदे को देखो, मतलब क्या करेगा भाई ऊपर चढ़ के। अब ये बंदा फिर से ऊपर चढ़ने लगा, सो मैंने उसको वॉइड में फेंक दिया और उसके बाद अंदर जाके मैं लूट करने लगा। और यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट करने के बाद आ जाता हूँ मैं यहाँ पे, मतलब ग्रीन वाले के बंदे, मतलब ग्रीन वाले बेस पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे भाई ये बंदा क्या कर रहा था देखो, अंदर जाके ये लूट कर रहा है। सो मैंने यहाँ पे उसका बेड तोड़ा एंड अंदर जाके ये बंदा को देखा भाई अबे क्या कर रहा है। सो इस बंदे को यहाँ पे भाई कोने में छिपकाला बना दिया एंड फिर लूट करने लगा मैं। उसके बाद घूम घाम के आ जाता हूँ मैं यहाँ पे सयान के बेस पे एंड ये बंदे ने भाई डिफेंस कर रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास 2 फायरबॉल थे। सो मैंने एक मारा, दूसरा मार दिया लेकिन उसका बेड ओपन हो गया, लेकिन वो बंदे ने फायर चार्ज मार के मुझे नीचे गिरा दिया। इमोशनल। अब उसके बाद मैं भाई फ्री ब्रिज करके आता हूँ मिड से एंड ये बंदा भाई यहीं पे था, मतलब क्या कर रहा था ये देख रहे हो, बेड डिफेंस कर रहा है भाई मतलब। सो यहाँ पे मैंने उसको एक फायर चार्ज मारा जिस कारण वो बंदा थोड़ा इधर उधर हो गया एंड उसका बेड ओपन हो गया। तो यहाँ पे जाके भाई मैंने बेड तोड़ना मतलब उचित नहीं समझा एंड ये बंदा भाई पीसी वाला था देख रहे हो। तो यहाँ पे मैंने उस बंदे को किल किया एंड यहाँ पे मैंने छुपने का ट्राई की लेकिन छुप नहीं पाया मैं। सो ये बंदा फिर से आता है एंड ये बंदा भाई बहुत तगड़ा था, मतलब देखो मतलब फिर भी भाग रहा है। अब ये बंदा मुझे पीसी वाला समझ रहा था कि भाई कर क्या रहा था तू। सो यहाँ पे मैं उसके पीछे पीछे भागता हूँ एंड ये बंदा भाई यहाँ पे आके मुझे मारने लगता है। सो मैंने उसको भाई कोने में लपेट लिया एंड विक्ट्री हो जाती है। सो भाई बढ़ता है नेक्स्ट गेम में। सो ये भाई हमारा तीसरा मैच एंड भाई ये भाई फिर से ओल्ड वाला मैप आ गया एंड भाई मैं क्या ही तबाही मचा था भाई ओल्ड मैप में, मतलब पुराने यादें ताज़ा हो गई यार। सोलो में मुझे कभी कभार खेलना चाहिए, कमेंट कर देना। खैर यहाँ पे ये बंदा साइड से जा रहा था, सो मैंने उसके ब्रिज पे टाप कूद का मार के भाई उसको मतलब नीचे गिरा दिया एंड उसके बेस पे जाके उसका बेड तोड़ दिया और यहाँ पे छुप गया मैं। अब वो बंदा रिस्पॉन होकर ढूंढने लगता है, सो मैं खुद ही उसके सामने जा जाता हूँ एंड उस बंदे को मारने लगता हूँ। तो यहाँ पे उस बंदे को मैं आराम से मतलब किल कर देता हूँ। खैर ये अलग बात है कि वो भाई कुछ ज़्यादा ही हेल्थ खा गया। सो यहाँ पे मैं फिर थोड़ी बहुत लूट करता हूँ और जैसे ही मिड की ओर जाने लगता हूँ तभी यहाँ पे एक बंदा मुझे मिड में ही आता हुआ दिख रहा था। सो मतलब देख रहे हो यार, मतलब वो बंदा भाई पीछे पीछे जाता है एंड वो बंदा भाई सस्ते नहीं से कर रहा था, मतलब देख रहे हो। अब मुझे मारने की जगह ये ब्रिज करके मेरे बेस पे जाने की कोशिश कर रहा था। खैर यहाँ पे मैं उस बंदे को किल करने के साथ उसी के मतलब ब्रिज से जाने लगता हूँ उसी के बेस पे एंड थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ ब्रिज कर दिया ताकि वो बंदा मतलब ब्रिज से भाग ना पाए। अब ये ग्लिच क्या हुआ मुझे पता नहीं। सो
तो इस बंदे को यहाँ पर मैं मतलब मारने लगा एंड उसको किल कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत ग्लिच हुआ, पता नहीं क्या मतलब भाई ग्लिच मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पर भाई एक ग्लिच होने वाला है ना भाई, मेरा दिमाग ख़राब हो गया उसकी इसी वजह से। सो खैर यहाँ पर मैं इस बंदे के साथ फाइट करता हूँ एंड ये बंदा मुझे लग रहा है तू थंब प्लेयर है भाई, तू मेरी ट्यूटोरियल वीडियो देख ले भाई हाउ टू ब्रीच वाला, सो उसमें पता चल जाएगा तुमको। खैर यहाँ पर मैं लूट करता हूँ एंड आ जाता हूँ भाई बाजू वाले के बेस पे। अब ये बंदा भाई ये एंड वो बंदा भाई सस्ते नशे कर रहे थे भाई, दोनों किसी पे रस्ट की नहीं किया मतलब। ये बंदे को देखो, अब ये बंदा भी आराम से मर जाता है एंड भाई मेरा बेट किसी ने तोड़ दिया, साले तू गू खा मेरी तरफ से। अब मेरे साथ यहाँ पे क्या होता है कि मैं यहाँ से मिडवे जा रहा था एंड अचानक से भाई क्या होता है देखना, अब मैं टेलीपोर्ट हो गया यहाँ पे एंड मैं नीचे गिर गया। अब मैं भाई पूरा शोक में भाई, ये हो क्या गया भाई, ये हुआ क्या भाई, ये मेरे साथ क्या हो गया भाई। अब यहाँ मेरे किल्स देखो यार, इसीलिए तो भाई मैंने पहले बोला था कि भाई मुझे ग्लिचेस बिल्कुल पसंद नहीं है। खैर ये था हमारा भाई चौथा एंड आखिरी वाला मैच। सो यहाँ पर मैं भाई थोड़ी बहुत वूल कलेक्ट करता हूँ एंड जाता हूँ भाई रेड वाले के बेस पे जो कि था बगल में ही। सो उसके बेस पे जाता हूँ एंड ये बंदा भी जस्ट रिस्पॉन हुआ था एंड ये बंदा भी तगड़ा था। सो ये बंदा मारने लगता है लेकिन भाई मैंने उसका बेट तोड़ दिया। अब ये बंदा भाई फटाफट ब्लॉक वगैरह लगा के भाई मतलब आने लगता है मेरे बेस पे। सो यहाँ पर मैं रिस्पॉन होकर फिर से जाने लगता हूँ एंड ये बंदा बीच में मतलब ये भाई क्या बोलते हैं इसको, बोट बोट बोलते हैं इसको शायद से। सो ये यहाँ पर आ जाता है एंड ये बंदा मुझे फिर से मार देता है। देख रहा हूँ किधर इधर उधर हो रहा है एंड आजकल भाई पीसी वाले बहुत आ रहे हैं एंड भाई क्या बोलूँ मैं। सो यहाँ पर भाई ये इसने भाई मेरा बेट तोड़ दिया एंड मैंने उसको तोड़ दिया। गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन कर क्या सकता हूँ मैं। अब मैं भाई ऑनेस्टली बोल रहा हूँ भाई कि मतलब मेरा वॉइस ओवर इतना बिगड़ क्यों गया, क्योंकि मैं भाई 3-4 दिनों से वॉइस ओवर ही नहीं किया एंड वीडियो ही नहीं डाला, तो भाई ऐसा तो मतलब चला लो यार काम चलाओ ये लो। तो यहाँ पर मैं आता हूँ एंड ये बंदे का बेट तोड़ता हूँ एंड ये बंदा भाई पता नहीं भाई तू वो टीमिंग करेगा क्या है नू बड़े साल है। तो यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ ब्रिज करता हूँ एंड तभी वो बंदे साइड से आता है एंड मेरे ब्रिज की ओर जाने लगता है। अब कर क्या रहा है भाई, मेरा बेट तो है ही नहीं, तो वहाँ जाके करेगा क्या। तो यह बंदा यहाँ पे आके भाई फिर मुंड मुझे मारने लगता है। सो मैंने उस बंदे को किल कर दिया। अब पता नहीं भाई क्या ही नशे में था ये। खैर यहाँ पे मैं लूट करता हूँ एंड आ जाता भाई यहाँ पे एंड ये वाला बंदा जो लास्ट वाला बंदा एंड ये बंदा भाई डायरेक्ट रिस्पॉन होता है। सो उसको फायर चार्ज मार के भाई वर्ल्ड में टाटा भाई भाई बोल दिया एंड मतलब वर्ल्ड में फेंक दिया यार, मतलब समझ क्या रहे भाई वर्ल्ड में फेंक दिया उसको। सो उस बंदा रिस्पॉन होता है एंड ये भाई पता नहीं भार ही नहीं आता ये बंदा, अब आयरन स्वॉर्ड देख के डर गया होगा। खैर यहाँ पर मैं आता हूँ एंड इस बंदे को भाई मारने लगता हूँ एंड इस बंदे को किल कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर भाई भ्रम में पड़ जाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है भाई विक्ट्री हो जाएगी लेकिन विक्ट्री तो होती नहीं है। सो लास्ट वाला बंदा मुझे यहाँ पे दिख जाता है कि येलो वाला बंदा था। सो उसके बेस पे आता हूँ एंड ये देख रहा हूँ क्या कर रखा है इन्होंने, मतलब इन्होंने नहीं इनने क्या कर रखा, अभी ये बंदा अंदर लूट कर रहा है इसको भाई होश आवाज कुछ भी नहीं है। सो इस बंदे को यहाँ पे किल करता हूँ एंड विक्ट्री हो जाती है। खैर अगर आप लोगों की वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।